is Shilpa Rai Das and welcome to my blog. Today I'm going for a hair Botox treatment. Contrary to my recent beliefs, which I didn't want to do at all, like a hair treatment, a chemical treatment or any form of treatment, I have to do it because, you know, I've been thinking about it a lot and my hair has become so unmanageable that it's very rough, it's dry, and because of the roughness it causes falling as well. It's difficult to manage, like style your hair when you leave and things like that. So most of the time I land up tying my hair when I go out and I don't want to do that. So I thought, you know what, F it, let's just go and get it done and let's see how it looks. I'm not sure how will I look with like the whole straightened look. I like a bit wavy, you know, bouncy wavy, but as long as it's looking good and as long as it's manageable, I'm more than happy. So yeah, I'm gonna vlog my day and I'm just letting you know what is the karyakram of the day before I begin. That's all. Please encourage me by giving me some good comments, okay? I'm very, very happy and grateful. And while you are here already, do subscribe to my channel. Had stopped for some petrol, so and the day is very sunny, it's very nice. I'm happy, luckily everything goes well. नहीं नहीं भैया मुझे जाना है. There was so much parking in front, but I parked it behind only. I didn't want to take a chance. Anyways, it's good only. It's much ahead. Much ahead. Okay, so I finally reached the venue and I'm relaxing right now because I've just been so hot, and I'll just chill for some time and I'll start. Let me just chill for a bit. घर में भी मैं ठंडे पानी से ही करती हूँ बाल तो स्पेशली. Yes. अच्छा लगता है ना? Yes. अभी तो बहुत सही लग रहा है गर्मी में. मेरा मेकअप मत निकालना. नो, मैंने नहीं स्किन पर. हाँ, उस दिन मम्मी बोल रही थी तुमने एक्सप्लेन किया सब प्रोसेस मम्मी को ना. हाँ, सब बताया. और यहाँ से जाने के बाद भी मुझे दो दिन एकदम ड्राई रखना होगा बाल. यस यस. और कुछ क्लचर वगैरह भी नहीं लगा सकते आप? हाँ. इसके अलावा वाटर भी नहीं लगना चाहिए. ला थोड़ा मतलब फेस वॉश करते टाइम भी आपको केयरफुल होना होगा. बाकी टाइम तो हाँ, वॉश हो जाने के बाद फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, ठीक है. आई ट्राई. आई डोंट नो कितना मेंटेन होगा. नहीं नहीं, करना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसा रहता है, आप नहीं करोगे ना तो प्रोडक्ट रहेगा ना अभी बालों में, तो पेनिट्रेट करना पड़ता है. उस पे पानी लगा तो कुछ खराब हो जाता है और रिजल्ट भी इतना सही नहीं आएगा. राइट. तुम कितने साल से ये कर रही हो? फोर एंड हाफ इयर्स. इसी पालों में कि चेंज करते रहते हैं, मेरे को अच्छा लगता है. हाँ. और यहाँ इस पालों में कितने साल काम के दूंगी? इस बार मैंने अभी ज्वाइन हुई है, ज्यादा दिन नहीं. अच्छा, हो गया. उत्तरोत्तरी के निकलते हैं कि सर. हाँ, पाल के आज है क्या वो? नहीं, अभी एक महीना है और. ओ अच्छा. लेकिन जो सब तरफ से जमा होते हैं ना, सब एक साथ जाते हैं पालकी लेके. जिस दिन पालकी लेते हैं ना उस दिन. ओके. टाइम लगा के इतने बाल ग्रो किए हैं. आई डोंट वांट इट टू कट. यस, व्हेन इट वाज स्ट्रेट हो जाएगा ना थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा.
started now and we are going to actually put the stuff. क्या बोलते हैं इसके, क्रीम बोलते हैं कि केमिकल है कि क्या है ये? क्रीम. हाँ, the botox cream application is finally beginning now and I feel like a school girl. बस मेरा नहीं. मेरी डोर तुम्हारे हाथ में अमृता, अच्छे से करना. दिस इज अ वेरी हार्ड वर्किंग अमृता. शी इज गॉट ब्यूटिफुल हेयर हरसेल्फ, जस्ट सी गाइज. मेघना यू ऑल्सो कम हियर, कम ना. एंड दिस इज आवर ब्यूटिफुल मेघना. They both have got fabulous hair. I'm so jealous of their hair. मैं बस Instagram में ही करती थी, तभी बस मैंने start किया था और फिर stop ही हो गया. अभी करती हूँ? अभी नहीं, इतना नहीं करती कभी, तो भी एक आधा बार. मतलब कि Instagram में, कि किस में? Instagram में. Okay. दिखाओ ना. जो इंस्टाग्राम में अपलोड करते हैं वो इसमें भी कर सकते हैं ना, यूट्यूब में. अभी बर्निंग थोड़ा कम हो गया. नॉर्मल है क्या बर्निंग होना? अप्लाई करते टाइम होता है, एकदम आईज में बर्न हो गया. बर्निंग सो मच यार. बट बाल से ही तो आ रहा है ना बर्निंग, तो ये उड़ जाएगा क्या ये ड्राई करने के बाद? खुद ही बस ऐसा एबनॉर्मल तो नहीं है ना ये, वो एक्सेस बर्निंग हो ना? Okay, so I'm done. I'm back in my car and you all can see the happiness on my face. I'm feeling so weird as well, like stupidly excited. But first of all, it's looking very straight and looking kind of chipko because the thing is still on, the cream, and I'm supposed to keep it for 2 days. And after 2 days, I'm supposed to come and wash it. And then actually it's going to be like a bit more fluffy, a bit more wavy, and overall but very smooth. So I'm very, very happy with the results. Thanks to God. Everything was good and everyone was very, very sweet there. So yeah, that's it. This is my hair Botox experience. I will go back and I will continue this video.
I'll just explain to you overall what is the process, how much time does it take, what do you expect, what can be the outcome, what is the difficulty that you have to might have to face in case you're thinking of doing it. So maybe I can be a bit of a help. So yeah, that's it. So I'm just dying to go back home and relax now. So I'll just head back home and show mom my hairy. Chalo. Thanks guys. Okay, chalo. Mwah. Bye.